कैसा रहेगा अगर आप मंथली 25 के अर्निंग करते हो, वो भी घर बैठे बैठे? बढ़िया रहेगा ना? बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, इवन मेरे को भी नहीं पता था, पर अभी मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, है ना, ऐसे कई और लोग अर्निंग करें जो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं। तो आपको आज डिटेल्स मैं शॉर्ट में बताऊँगा मैं, पर डिटेल्स में आपको चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, कैसे आपको क्या करनी है। तो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करनी है, पहले तो 2-3-4 मिनट का वीडियो जो भी बनाता हूँ, मैं अभी बना रहा हूँ, उसको प्रॉपर देखना है, क्योंकि आपको पूरा डिटेल्स मेरे को शेयर, चीज़ें डिस्कस जो करेंगे अपन, अभी बता दूंगा तब वीडियो छोड़ के डायरेक्ट चले जाओ करने। तो मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, पहले चीज़ें समझाता हूँ क्या करनी है वो क्या नहीं होगी। पहले पॉइंट आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, एंड आपको 10th या 12th पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, पर जितनी भी आती होगी समझना ज़रूरी है और समझाना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ड ऐसी है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो जनरल इंग्लिश तो किसी को भी आती है कि नहीं, तो ये बहुत ही ईजी है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा अंग्रेजी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल में बात करनी है, पर इंग्लिश रिक्वायर्ड है। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको कि आप सामने वालों को समझा पाओ कुछ चीज़ें। तो उसके लिए आपको सिंपल से क्या करनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक डिटेल्स, अगर आप 10th या 12th पास हो तो ही, अगर नहीं हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं, आप कर नहीं सकते हो। तो सिंपल सी बहुत लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग लाइक नो डिस्कस, अभी चीज़ें जो बताऊंगा मैं शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बताऊंगा, बाकी अगर आप मुझसे कनेक्ट आप ज्वाइन होना चाहते हो और इस चीज़ में यू नो इंटरेस्टेड हो, तो आप ऑफकोर्स मुझे DM करोगे। तो सिंपल आपको क्या करनी है, पहले तो ये सब डॉक्यूमेंट जो भी बोला मैंने ये आपके पास होना चाहिए, और आपकी एज जो है ये इंपॉर्टेंट है, एज 23+ होना चाहिए, 18+ से काम नहीं चलेगा, 23+ आपकी एज होना चाहिए। अगर 23+ आपकी एज है और आप 10th या 12th पास हो, तो आपको सिंपल करनी क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा और मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दूंगा, उसको आपको इंस्टाग्राम में जाना है, पहले तो मुझे फॉलो कर लो। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको सिंपल आपकी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स में क्या क्या आएगी, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना मेरे को, डॉक्यूमेंट्स अभी इंस्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी क्या रिक्वायर्ड है जो आपको मुझे DM करनी होगी। तो पहले तो आपकी नाम, पूरा नाम डालो, आपकी एज डालो, या 10th या 12th के हो आप वो ऐड करो, आपकी कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स जो भी है वो ऐड करो, आपकी मेल आईडी ऐड करो, ये सारी चीज़ें आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में DM करना होगा आपको। उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे चीज़ें कैसा क्या करनी है क्या है। ये अपना विवेक बिंद्रा वाला कुछ सिस्टम नहीं है, बहुत ही अलग ऐप है जिसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो सिंपल से आपको ये सब चीज़ें करनी है, उसके बाद अपन बताएंगे, हम बताएंगे आपको कैसे क्या अर्निंग करनी है, समझाएंगे चीज़ें पूरी। अगर लोग इंटरेस्टेड है तो उसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे कैसे कैसे अर्निंग करना चाहिए, कैसा कैसा नहीं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं जो जो थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है, अगर आपको करनी है तो आपको सिंपल जो का बताया मैंने वही करनी है, इंस्टाग्राम में जाना है, DM करनी है डिटेल्स के साथ। डिटेल्स के अलावा अगर आप करते हो तो दिक्कत हो जाएगी आपको, लाइक यू नो शायद आपको मेल, अगर आप पूरा डिटेल्स डालते हो आपको कॉल भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, तो दोनों चेक करना होगा आपको, बाकी आपको समझा देंगे कैसे क्या। जॉब जो है, जो काम है, वर्क फ्रॉम होम है, पर आपको एक टाइम के लिए बेंगलुरु में आना पड़ेगा। अगर आप बेंगलुरु में रहते हो तो बेस्ट है, बाकी आपको एक बार तो विजिट करना ही होगा इस काम के लिए, बाकी हम डिटेल्स में बात करेंगे। मिलते अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी अर्निंग रिलेटेड वीडियो और कई